हेलो गाइस, अगर आप भी डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट हो, डिस्टेंस हो या रेगुलर हो, तो उनका जो है प्राइवेट और डिस्टेंस का टाइम टेबल आ गया है। लोगों को काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार था कि आपका एग्ज़ाम टाइम टेबल कब आए, तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम टाइम टेबल है वो आ गया है। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी का जो है टाइम टेबल घोषित कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, हम जो है इनके टाइम टेबल के बारे में बात करते हैं, कौन कौन सी कोर्स का कब तक जो है एग्ज़ाम डेट घोषित किया गया है। तो यहाँ से चलिए मैं इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ, या फिर यहाँ पे देखिए मैंने एक फ़ाइल में रखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये बहुत सारी जो है, आप देखिए आपका DCA है, PGDCA है, जो प्राइवेट में बच्चे पढ़ रहे हैं उनका दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डिस्टेंस में पढ़ रहे हैं उनका भी दिया हुआ है, या प्राइवेट में जितने भी डिग्री कोर्सेस हैं, BA, BSc, MSc, ये सारी चीज़ें इनका भी आ गया है। अगर आप डिस्टेंस में हैं तो भी उनका आ गया है। तो चलिए दोस्तों, मैं जो है आपको प्राइवेट का जो है DCA, PGDCA का जो है बताने वाला हूँ, उसके बाद एक एक करके मैं सभी की टाइम टेबल के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे चलिए मैं DCA, PGDCA में ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो प्राइवेट बच्चों का है, जो प्राइवेट बच्चे, जितने भी प्राइवेट बच्चे हैं DCA में, उनका टाइम टेबल आप देख सकते हैं यहाँ पे निर्धारित किया गया है ऑनलाइन स्किल असेसमेंट करके, जून 2023। तो देखिए जो एग्ज़ाम टाइम है वो 60 मिनट का रहेगा पर पेपर में, जितने भी आपका एग्ज़ाम है उसमें 60 मिनट का रहेगा। इन बिटवीन 10 अर्थात 10:30 AM मॉर्निंग से लेकर शाम के 5 बजे तक आप किसी भी समय बीच में जो है एग्ज़ाम दिला सकते हैं। फर्स्ट पेपर यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो डेट फिक्स किया गया है, फर्स्ट एग्ज़ाम आपका जो है 13 जून को किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ये आपका क्या है, प्रथम पेपर है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, जितने भी DCA के बच्चे हैं वो देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए सेकंड पेपर जो दिया हुआ है, यहाँ पे 15 तारीख को दिया हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें DOS, Linux, Windows, इनका पेपर है। सेकंड पेपर यहाँ पे आप देख सकते हैं 17 तारीख को है, अर्थात आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें एक दो रोज का जो है गैप दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर इन ऑफिस करके दिया हुआ है, कंप्यूटर इन ऑफिस 1, MS Word और MS Access। तो इसमें मैं दोस्तों लास्ट में कुछ आपको ऐसे ट्रिक बताऊंगा जो आपकी काफ़ी काम आने वाले हैं और आपके जो पेपर में बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो ये वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखें। यहाँ पे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो है 20 तारीख को दिया हुआ है, कंप्यूटर इन ऑफिस 2। या आपको जो है, मैं आपके एग्ज़ाम से संबंधित कुछ मैं टिप्स देने वाले हूँ जो आपका बहुत ही काम आने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो है आपका जो 20 तारीख को दिया हुआ है ऑफिस 2 का, और 22 को देखिए आपका जो है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का दिया हुआ है। ये जो होता है टोटल इंग्लिश में आता है इनका एग्ज़ाम। यहाँ पे देखिए 24 तारीख को नेक्स्ट दिया हुआ है इंट्रोडक्शन टू टेली एंड वेब टेक्नोलॉजी। तो यहाँ से आप जो है जो वेब टेक्नोलॉजी है, HTML वगैरह पढ़े होंगे, इंटरनेट के बारे में पढ़े होंगे, उनका एग्ज़ाम जो है होने वाला है। अब देखिए 27/6 को जो है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग टेली। तो जितने भी बच्चे जो टेली पढ़े होंगे उनका जो है एग्ज़ाम होने वाला है 27 तारीख को। यहाँ पे देखिए आपका सी प्रोग्रामिंग दिया हुआ है और डेटाबेस मैनेजमेंट मतलब DBMS विथ MS एक्सेस करके दिया हुआ है। तो ये जो है क्या था, आपका DCA के बच्चों का जो है टाइम टेबल था। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट हम जो है जानने वाले हैं PGDCA का। तो PGDCA का एग्ज़ाम कब से स्टार्ट है ये हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं PGDCA करके, इनका भी सेम जो है कंडीशन है, 60 मिनट का आपका एग्ज़ाम रहेगा, प्रत्येक पेपर में आपको 60 मिनट दिया जाएगा। आप जो है सुबह 10:30 बजे 10:30 से शाम के 5 बजे तक किसी भी समय अपने यूज़र आईडी पासवर्ड को आप ऑनलाइन लॉगिन करके एग्ज़ाम दिला पाएंगे। तो यहाँ पे देखें इनका जो फर्स्ट पेपर है वो क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करके दिया हुआ है। सेकंड पेपर चलिए दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं, 16 तारीख को दिया हुआ है, विंडो एंड MS ऑफिस करके। अब थर्ड पेपर जो दिया हुआ है, तीसरा 19 को दिया हुआ है, DBMS विथ MS एक्सेस करके। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर नेटवर्क से इंटरनेट करके दिया हुआ है आपका। फिर यहाँ पे 23 तारीख को देखिए आपका कम्युनिकेशन स्किल का दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए 26 तारीख को जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेटेड प्रोग्रामिंग विथ सी करके दिया हुआ है। तो इनका जो है आपका 26 तारीख को है सी लैंग्वेज का। और यहाँ पे देखिए 28 तारीख को RDBMS एंड SQL
का जो है आपका 28 तारीख को दिया हुआ है, और 1 तारीख को जो है आपका 1 जुलाई को आपका जो प्रोग्रामिंग विथ VBA नेट के बारे में दिया हुआ है, और जो है लास्ट जो है आपका 7/4 अर्थात 7 जुलाई 2023 को जो है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग टेली। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका ये टाइम टेबल है। तो चलिए दोस्तों, इस टाइम टेबल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी जाके डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको जो एग्ज़ाम है उसके बारे में कुछ आपको बताना चाहूँगा। बहुत बच्चे जो हैं एग्ज़ाम के वजह से घबराए हुए होंगे, चाहे वो DCA हो, PGDCA हो या BA BSC हो। तो चलिए मैं DCA PGDCA के बारे में आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें आपकी जो है बेसिक जानकारियाँ आती है दोस्तों, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। जितने भी कंप्यूटर के बारे में बेसिक आप पढ़े होंगे वो सभी चीज़ें जो है इसके अंतर्गत पूछा जाता है, तो आपको बेसिक चीज़ें यहाँ पे पढ़ना है। यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसा नहीं है कि आपकी जो फंडामेंटल है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं पूछता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का देखना, बहुत सारा क्वेश्चन आपका जो है फंडामेंटल में भी आता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो होता है देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें डॉस है, विंडोज़ है, लिनक्स है। तो देखिए दोस्तों डॉस और विंडोज़ लिनक्स, डॉस जो होता है एक कमांड होता है, कमांड पे आधारित होता है, ये भी क्या होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये नॉन ग्राफिकल होता है। विंडो जो होता है ये भी सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लेकिन आप इसमें जो है ग्राफिक यूज़ कर सकते हैं। और लिनक्स जो होता है ओपन सोर्स होता है, मतलब एक समय में एक से अधिक व्यक्ति इसमें ऑपरेटिंग कर सकते हैं, मतलब चला सकते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल से आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में ना पूछे, दोनों में से जो है कंबाइन क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे देखिए कंप्यूटर्स इन ऑफिस करके दिया हुआ है, तो आपको मैं बता दूं कि MS Word और Excel जो दिया हुआ है इसमें आप देखना कि आपको जो है MS PowerPoint और Excel से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। जो Office 1 है उसमें Office 2 का क्वेश्चन पूछ देता है बहुत सारा, और जो Office 2 है उसमें Office 1 का पूरा क्वेश्चन को पूछ दिया जाता है। तो यहाँ पे इस स्थिति में आपको क्या करना है, आपको दोनों सब्जेक्ट की थोड़ा सा आपको पढ़ाई कर लेना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होता है, इसमें जो है ज़्यादातर जो सेंटेंस वगैरह होते हैं इंग्लिश में, जो आप 10वीं 12वीं 5वीं 8वीं में पढ़े होंगे, उन्हीं से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर इन्हीं में आता है। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर जो है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी, तो इसमें आप जो है नॉर्मली HTML के बारे में पढ़े होंगे। आपके सिलेबस में ज़्यादातर जो है JavaScript नहीं है, और जितने भी क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर वो JavaScript से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इंटरनेट और HTML के अलावा आपको JavaScript से भी बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ पे जो है CV Raman यूनिवर्सिटी की जो किताबें हैं उसकी सिलेबस में JavaScript नहीं है। तो ज़्यादातर सेंटरों में जो है JavaScript नहीं पढ़ाया जाता है, तो इस वजह से आपको क्या करना है, आपको JavaScript से भी बहुत सारी क्वेश्चन को आपको याद रखना होगा और पढ़ना होगा उसके बारे में भी। अब यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग टैली, इसमें सिर्फ आपको टैली से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें किसी भी तरह का कोई बाहरी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए आपका जो है सी प्रोग्रामिंग जो दिया हुआ है, इसमें सी से ही रिलेटेड पूछा जाता है। और यहाँ पे देखिए DBMS with MS Access, तो DBMS के बारे में आपको बता देता हूँ, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसको कहते हैं। एक्सेस से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक्सेल से आपका क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, और हो सकता है कि विजुअल बेसिक है या फॉक्स प्रो है या सी है, इनमें से भी कुछ जो क्वेश्चन है सिमिलरिटी आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से आपका जो DCA का एग्ज़ाम जो है होने वाला है, और सेम कंडीशन जो होता है आपका PGDCA का भी होता है दोस्तों। जैसे कि आप यहाँ पे जो है ऑफिस के इसमें बेसिकली और इंटरनेट और डॉस के बारे में भी आपको पूछ दिया जाता है। विंडो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेकंड पेपर आपका विंडोज़ एंड MS Office, तो देखिए आपको यहाँ पे ऑफिस में यह नहीं बताया जा रहा है कि ऑफिस में आपको वर्ड का पूछा जाएगा, एक्सेल का पूछा जाएगा, कि एक्सेस का पूछा जाएगा, या पावर पॉइंट है या आउटलुक है, इसका नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखिए आपको विंडो के साथ साथ ऑफिस का जितना भी टूल्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफिस के कितने सारे टूल्स होते हैं, तो वो सभी के बारे में जो है आपसे पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑफिस का कितना सारा टूल है, MS Access है, एक्सेल है, यहाँ पे देखिए
देखिए आपका इन्फोपाथ है, यहाँ पे जो है इन्फोपाथ फाइलर है, ये डिजाइनर है, वन नोट्स दिया हुआ है, आउटलुक है, पावर पॉइंट है, पब्लिशर है, तो ये सभी चीजें हैं। तो इनमें से कुछ कुछ चीजें जो है आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो आप ऑफिस के जितने भी टूल्स पढ़े होंगे, ज्यादातर जो रिचर टूल्स से हैं, जैसे एक्सेस है, एक्सेल है, या फिर आपका जो है आउटलुक होगा, पावर पॉइंट है, और ये आपका जो है एमएस वर्ड है, तो इनमें से सभी क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे पीजीडीसी वालों को। और यहाँ पे देखिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में देखिए विथ एमएस एक्सेस, तो इसमें एक्सेस से रिलेटेड एक्सेस से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आपका एक्सेल से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका जो है विजुअल बेसिक फॉक्स प्रो, जितना भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उनमें से सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर नेटवर्क एंड इंटरनेट, तो इसमें आप देख सकते हैं जो कंप्यूटर नेटवर्क एंड इंटरनेट है उसमें इंटरनेट से रिलेटेड है, HTML है, जावा स्क्रिप्ट है, आपका CSS है, ये सभी में से जो है क्वेश्चन आपको उठा के पूछ देंगे, लेकिन आपके जो सिलेबस है उसमें ये सारी चीज़ें जो है नहीं दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं आपकी जो टाइम टेबल है वो कम्प्लीटली आ गया है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए व्यूवर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप पहले से ही सब्सक्राइब हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो थैंक यू दोस्तों, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग जानते हैं जो भी डिस्टेंस में पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर जो भी जो प्राइवेट में डिग्री कोर्सेज में जो पढ़ाई कर रहे हैं उन